तुम्हें एक बहुत खास आदमी का इंटरव्यू लेना है। किसका सर? प्राइम मिनिस्टर का। यू मीन चाय वाले का? हाँ। आज हमारे सामने जो मंत्री हैं, उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें ना सिर्फ आप और हम जानते हैं बल्कि सारा देश इनसे परिचित है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, हर बार चुनाव में आने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश को आगे ले जाएंगे, ये सोचकर जनता अपना वोट डालती है, लेकिन हर बार उसे निराशा होती है, उसके साथ धोखा होता है। बीजेपी के राज में भी ऐसा हो रहा है, क्यों सर? लगता है तुम अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते हो। आज भारत के हर घर में एंड्रॉइड फोन और उसमें एक जियो का सिम है। सोशल मीडिया के हर कोने में अनपढ़ और जाहिल लोग भर गए हैं। बेरोजगारी है, हर आदमी हिंदू मुस्लिम करने लगा है। आज हर अनपढ़ आदमी सोशल मीडिया पर रहता है, हाथों में नमो पहनता है, धर्मों को गालियां देता है, हिंदू मुस्लिम करता है। दुनिया में हमारा भारत सबसे ऊंचा हो गया है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों में एक भी किसान आत्महत्या से नहीं मरा। कोई किसान फसलों से घर का खर्चा तो क्या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाता? देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए कड़ी धूप में ठेलों पर पकौड़ा बेचते हैं। अनपढ़ भक्त बनते जा रहे हैं और पढ़े लिखे सड़क पे आ गए। दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हमारे देश में हैं सर। लोग आज भी बकरे और गाय को लेके जातिवाद करते रहते हैं। कुछ लोग तो गाय का पेशाब तक अमृत समझकर पीते हैं। ठुल्ले आज भी सिग्नल पर रिश्वत मांगते हैं। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे। तुम्हें मालूम है, मेरे पीएम बनने के बाद देश में करप्शन और ब्लैक मनी खत्म होकर 0% हो गया है। सर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, ये सर्जिकल स्ट्राइक रिपोर्ट, ये रफाइल जहाज की रिपोर्ट और ये नोटबंदी की रिपोर्ट। सर, आरबीआई का कहना है डिमोनेटाइजेशन देश का सबसे बड़ा फेलर था, जिससे सिर्फ गरीब और आम जनता को ही परेशानी उठानी पड़ी। नेता और वीआईपी लोगों को तो लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। सब बकवास है। अगला सवाल। सर, प्रधानमंत्री बनने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? हमारा परिवार बहुत गरीब था और मैं चाय बेचा करता था। सर, मैं आपका एक स्पीच वीडियो जनता को दिखाना चाहता हूँ। जी दिखाइए। मेरे देशवासियों, मेरे घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। सर, डोंट माइंड अगर किसी भी गरीब आदमी को देश के लिए अपना घर परिवार छोड़कर हाईली मॉडिफाइड BMW 7 सीरीज में घूमने, प्राइवेट जेट से वर्ल्ड टूर करने, लाखों रुपए की कीमत वाले कपड़े पहनने, तो हर आदमी अपना घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ सकता है सर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओ हाँ, याद आया, मैंने ही छपाया था। हम देश में पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, समाज में एकता और कानून लाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे, महंगाई जाएगी, अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन आएंगे की वजह चले जाएंगे छप गया था, मैंने उसे ठीक कराया था, मुझे याद है। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ? मैं चाहता हूँ कि आम जनता को भी पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए सर, सिलेंडर 1000 रुपए का कर रखा है, गरीब आदमी मजदूरी करता है, कहाँ से 1000 रुपए जोड़ता है? जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवाना, हम उन्हें 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपया डालेंगे, मगर ये कुत्ते ने कुछ भी नहीं डाला था। मोदी मोदी जितने हैं सारे मोदी चोर है, चौकीदारी चोर है। फालतू में नोटबंदी करा के आपने पूरी देश की जनता को परेशान कर दिया। देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बढ़ता रहा क्योंकि आप चुप रहे। हमारे अपने ही देश के लोग आज आपस में ही मरा रहे हैं आपकी वजह से। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपको इलेक्शन का मुद्दा नहीं मिल रहा था, है ना? क्या पकड़ा है? इस वीडियो में बीजेपी की सच्चाई बताकर देश की जनता को भड़काने के लिए चुतियापा कर रहे हो तुम। नो सर, आम जनता खुद आपसे परेशान है।
मोदी जी तो कह रहे हैं पढ़े लिखे MBBS जो डिग्री ले रहे हो पकौड़े बेचे। आज एक घोड़े वाला भी 50 रुपए GST दे रहा है, वो रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। एक दुकान पे 10 नौकर या 12 नौकर, इनकी नौकरी, इनका घर परिवार, पैसा, इनके घर चलाने की ताकत कहाँ से मिलेगी जब व्यापारी अपना व्यापार करेगा, सारा व्यापार चौपट हो गया। पिछली बार चाय वाले बने थे, इस बार चौकीदार बन रहे हैं। 15 लाख की वादा किए थे लेकिन एक पैसे भी नहीं दिए। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? बोलिए सर। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे लेडा लीरो लेडा, कैमरा बंद कर, कान फाड़ डालूंगा। इसको बोलो बंद करे, अमित शाह। अरे सालो, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बंद करो, ये बंद करो, बंद करो, मैं कहता हूँ बंद करो। अबे चप्पल नीचे कर, ये असेंबली हॉल। अरे तो यहाँ कौन देख रहा है? मैं इन लोग को बोला ना बंद करे। बेवकूफ, ये आइडिया 4G लाइव है, IPL के क्रिकेट मैचेस की तरह सारे देश की जनता देख रही है। चप्पल नीचे कर। मैं भी दिख रहा हूँ क्या? तू दिख रहा है, तेरा चप्पल दिख रहा है और तेरे चप्पल में लगा हुआ 2 लाख का टैग भी दिख रहा है। आइए आइए साहब, ये लाइट लीजिए, एक बार चप्पल दिखाइए प्लीज। चप्पल कहाँ की थी? कोल्हापुर की थी या लखनऊ की थी जी? दादा बहुत हो गया इंटरव्यू, चले। अच्छा तो इंटरव्यू खत्म ना। जय श्री राम।